So, students, this is the part two of the week number one lecture, and as we were discussing that Teshko's body fell into the red pulp of the whale's head, और वो whale head है उसके गिर से chains खुल जाती हैं और वो पानी के अंदर गिर जाता है. उसके बाद क्विक है कि एक बहुत ब्रेव एक्शन लेता है, जैसे as you can watch in the picture that he is a ही इज़ क्लचिंग अ स्वॉर्ड इन इज हैंड एंड ही जम्प इन टू द वाटर इमिडिएटली. और उसके बाद कुछ ही मिनट्स गुजरते हैं और टेस्ट गो जो है वो सॉरी क्विक एग टेस्ट गो को लेके पानी की सतह के ऊपर अपियर होता है. और एक फिर एक बोट भेजी जाती है और उसके ऊपर वो दोनों ट्रेवल करके शिप के ऊपर उनको लाया जाता है. सारा क्रू जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस्माइल बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि क्विक एग इतना ब्रेव है, उसने ये इतना ब्रेव एक्शन कैसे किया कि उसने उसने इतना ब्रेव एक्शन कैसे किया है. कोई क्या कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इजी था, मैंने सिंपली पानी के अंदर जंप किया, वेल के हेड के अंदर सुराख किया और टेस्ट को निकाल के बाहर ले आया. और उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि जब आपका फेथ एंड फेथ आपके अंदर हुआ और के अंदर करेज हो तो आप कोई भी काम, ये दुनिया का कोई भी काम इजीली कर सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स आपका रिटन वर्क है कि आपने राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 70 to 90 वर्ड्स अबाउट द डेयरिंग एक्शन ऑफ क्विक एग एंड हाउ ही सेव द टेस्ट गो फ्रॉम ड्राउनिंग. दिस वॉज द सेल्फलेस एंड ब्रेव एक्शन विच नॉट एवरी वन इज केपेबल ऑफ डूइंग. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज ऑन द गिवन पेजेस. कॉम्प्रीहेंशन पे एक्सरसाइज नंबर वन एंड टू ऑफ पेज नंबर 76 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 and 4 ऑफ पेज नंबर 77. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.